पिछले 4-5 सालों में जो महंगाई बढ़ी है उस पर काबू करना जरूरी है। क्या सारी बहनें उनकी बहन नहीं है मुख्यमंत्री जी की? सारी महिलाएं कुछ ही लाडली बहनें हैं उनकी। और मेरा तो ये कहना है कि कैश पेमेंट देने की बजाय लाडली बहनों को आप रोजगार उपलब्ध करवाइए। आप पैसा सिर्फ देकर क्या साबित कर रहे हैं? ये तो आप वोट खरीद रहे हैं। आप रोजगार दीजिए ना, उन्हें काम दीजिए। वो क्यों 1200 रुपये तक सीमित रहे, महीने के 12000 कमाए। नमस्कार, मैं अंजलि पांडे और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज हम इसके स्पेशल प्रोग्राम में है पब्लिक मीटर। पब्लिक से जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में, उससे आप क्या समझते हैं? चुनाव होने से क्या है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव 5 साल के लिए चुन रहे हैं और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे आशाओं पे खरा उतरे। तो आप जो अभी पार्टी काम कर रही है सब संतुष्ट है? देखिए, संतुष्ट तो है, लेकिन महंगाई जिस तरह बढ़ रही है और पिछले 4-5 सालों में जो महंगाई बढ़ी है उस पर काबू करना जरूरी है। क्या देख के आप सरकार को चुनेंगे? क्या काम को देख के, चेहरा देख कर, क्या देख के? काम को देख के ही चुनेंगे। अभी जो काम चल रहा है, जो अभी तक सरकार ने जो काम किया है, जो भाजपा ने जो अब तक काम करा है, जो कांग्रेस ने उससे पहले जो आई थी उसने काम करा है, तो उसमें से ज्यादा बेहतर किसने काम किया है? देखिए, कांग्रेस तो 20 साल पुरानी सरकार हो गई, 20 साल से तो भाजपा ही है। तो आज बदलाव नहीं चाहते कोई? आज के दिन में तो हम भाजपा के ही काम को देख के चुनाव में उतरेंगे, लेकिन जिस तरह की महंगाई बढ़ी है उसमें भाजपा का भी मतलब सवालों के कटघरे में आना मुनासिब हो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या देख के चुनाव आने वाले, तो क्या देख के सोच के क्या सोच के वोट करना करेंगे? देखिए, रही बात चुनाव की, तो सबसे पहले तो भाजपा को ये करना चाहिए कि जितनी महंगाई बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, और रोजगार देना चाहिए क्योंकि बहुत सालों से रोजगार में प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, आप सब्जी लेने आए हैं तो उसके बेस पर आपको सब्जी बहुत ज्यादा महंगी लग रही है क्या? महंगी इस समय काफी महंगी है, मतलब इतनी महंगी कभी होती नहीं थी। इस साल नवरात्र में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा कॉस्टली है। नवरात्रि में सब्जी महंगी है या यूजली महंगी रहती है? ऐसे यूजली महंगी हो गई है, पहले से महंगी हो गई है। जैसे तेल का दाम, पेट्रोल, इन सब में महंगा किया है, पेट्रोल डीजल तो नॉर्मली ये महंगा हो गई होगा। अच्छा, चुनाव में क्या देख के वोट देंगे? चेहरा देख कर या फिर काम देख के, क्या देख के? चेहरा नहीं, काम देख के देंगे। और काम भाजपा ने किया, ऐसा नहीं है, पहले से बहुत अच्छा काम किया है। बदलाव नहीं चाहते हैं? लगातार इतने सालों से भाजपा की सरकार है, लगातार बदलाव वाली बात नहीं है, भाजपा काम कर रही है तो इसीलिए सरकार बन रही है उनकी। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपना अपना बताया है। दादा, क्या हाल है आपका? क्या बेच क्या रहे? गोभी। क्या भाव महंगाई है थोड़ा बहुत मार्केट में? मार्केट में क्या महंगाई है, 40 रुपए किलो कोई महंगाई होती है सब्जी भाजी में? अच्छा, चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव को लेकर थोड़ा सा बताइए, क्या क्या समझते हैं आप चुनाव को लेकर? चुनाव के बारे में यही है कि थोड़ी महंगाई पे, दालचीनी पे थोड़ा भाव कम हो, और सब सही रहे। और क्या? अच्छा, जो भी सरकार है उसे संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। कि बदलाव चाहते हैं? नहीं, कोई बदलाव नहीं, अच्छा है, शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम करते हैं। कोई बदलाव नहीं चाहिए आपको? आप बताइए, जो अभी सरकार उससे आप संतुष्ट हैं? सरकार से संतुष्ट तो सब लोग हैं, लेकिन अभी शिक्षा में बोली, शिक्षा में दिक्कत बढ़ती है बच्चों की पढ़ने लिखने के लिए, और सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो अभी चुनाव होने वाले हैं तो युवाओं को लेके या महिलाओं को लेके कोई बदलाव करना चाहती हैं आप? मैं तो मेरे को टीवी पे लाओ, हाल फिलहाल में जा रहे हैं। अरे आप आने, चलिए आप बताइए, चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में, जानते हैं उसे? बिल्कुल। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या बदलाव चाहते हैं? कुछ बदलाव नहीं चाहते, सरकार बढ़िया है। जो भी सरकार है उससे संतुष्ट हैं आप? जी। कोई बदलाव नहीं चाहिए, कोई नया चेहरा नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सब्जी बाजार में, हम लोग भोपाल के सब्जी बाजार में है, यहाँ पर महिलाएं टमाटर ले रही हैं। आप क्या ले रही हैं? आप टमाटर? टमाटर का महंगा है कि सस्ता है? नहीं, पिछले हफ्ते में सस्ता था, इस बार महंगा है। सब्जी काफी महंगी हो गई है, डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है प्राइस काफी, मतलब जो कॉमन लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है प्राइस। अच्छा, पढ़ाई करती है या फिर जो नौकरी करती है? मैं अभी ग्रेजुएटेड हूँ। कुछ बदलाव करना चाहती हो सरकार, जो भी आएगी तो सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी सरकार संतुष्ट हो? जी हाँ, मेरे एम्प्लॉयमेंट को लेके काफ़ी मतलब इशू है, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में सब लोग जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी सबको चाहिए, पर इतनी वैकेंसीज नहीं हैं, और जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, आपने पटवारी का भी अभी देखा, काफ़ी घोटाला हुआ है, तो मुझे लगता है एक जो
यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एग्ज़ाम में, ये घोटाले वगैरह नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज आनी चाहिए। अच्छा आप बताइए, महंगाई जो आप कह रहे हैं टमाटर का, पिछले हफ्ते कम दाम था, इस बार ज्यादा बढ़ गया है। 20 रुपए थी, इस बार अभी 30 रुपए किलो है टमाटर। किचन में थोड़ा सा महंगापन जब जाता है क्योंकि महिला अपने गृहस्थी को बहुत सजोज के और बहुत संभाल के रखती है, लेकिन जब महंगाई उसको तमाचा मारती है तो दिक्कत होती है। हाँ दिक्कत हो जी मैडम, दिक्कत होती है। अच्छा इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में आप क्या देख कर वोट देंगी? जो सरकार अच्छी रहेगी तभी तो देंगे मैम, महंगाई के कारण। अभी क्या देख के, मतलब जो अभी अभी जो सरकार से संतुष्ट है आप? हाँ संतुष्ट है मैम, फिर भी या कोई नया चेहरा चाहती है? नया चेहरा चाहते हैं। किसका नया चेहरा? अभी जो भी खड़े रहेंगे उसके अभी तो नहीं बता सकती ना मैं। सुरक्षा को लेके महिला के लिए आप क्या बोलेंगी? सुरक्षित नहीं मैडम, अकेले जाने में डर लगता है, जैसे बच्चों को कहीं जाना है तो डर लगता है घर पे, जब तक बच्चे नहीं आते उनका वेट करना पड़ता बच्चों को। कोई बदलाव जो होना चाहिए महिलाओं के लिए? होना चाहिए बदलाव। क्या बदलाव होना चाहिए? मतलब जैसे अपन कहीं जाते हैं तो अकेले जाते हैं तो सिक्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है रात में काफी पुलिस वगैरह रहती ही नहीं है, आप अकेले आ ही नहीं सकते हो। भैया ये अम्मा कह रही हैं कि टमाटर महंगे हो गए। नहीं साहब, 20 रुपए किलो भी है, 30 रुपए जो है संभाल वैसे पैसे है। महंगाई बढ़ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, आप क्या देख के वोट देंगे? काम देख के देंगे ना। अभी जो सरकार काम कर रही है उससे संतुष्ट है? संतुष्ट है बिल्कुल। या नया चेहरा चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं। क्या कौन सी सरकार चाहते हैं? भाई बीजेपी की। बीजेपी चाहते हैं। यहाँ पर लोगों ने अपना अपना बताया है कि उनको कौन सी सरकार चाहते हैं। महिलाओं ने बताया है कि उन्हें सुरक्षा को लेकर दिक्कत है, सुरक्षा को लेकर बदलाव होना चाहिए, सुरक्षा को लेकर कई तरह की चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। क्या खरीद रहे हैं आप? मैम टमाटर खरीदे हमने। महंगाई है मार्केट में? हाँ महंगाई है, 20 के उन्होंने आधा किलो दिए। 20 का आधा किलो महंगा लग रहा है आपको? नहीं महंगा क्या है, अब वो हम तो मजदूरी करते हैं, अब वो महंगा तो लग ही रहे हैं। अच्छा चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव में क्या देख के वोट देंगे? अब क्या वोट देंगे, वो इसलिए देंगे मतलब वोट इसलिए देंगे भैया सस्ता ही हो जाए, गरीब आदमी महंगाई हो मजदूरी ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, मजदूरी करते हैं। आप बताइए चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, क्या देख के वोट देंगी आप? हम लोग तो चाहते हैं कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, जीते कोई भी हमें तो अच्छी व्यवस्था चाहिए, है ना। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी, लेकिन एक आम जनता है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। पार्टी से मतलब नहीं है? और आम जनता की कैसे स्थिति खराब है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, सिर्फ महंगाई ना मुश्किल हो रहा है, मेन तो महंगाई है। अगर महंगाई में रोक की जाए तो फिर मतलब थोड़ा सा बदलाव देख सकती हैं? हाँ। महिला का जो वोट होता है तो वो कितना आप कितना ज़्यादा अच्छा होता है मान सकती हैं? महिलाओं को तो अच्छा होता है, बस महिलाओं को निकलने के ऊपर है कि आप कितना बाहर महिलाओं को ला सकते हो, क्योंकि ना महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, और जो कुछ किया जा रहा है महिलाओं की सुविधा के लिए, जो पर्टिकुलर महिलाओं के लिए किया जा रहा है, जो महिलाओं को लाडली बहना मिल रही है लक्ष्मी, तो वो केवल कुछ सीमित महिलाओं को ही मिल रहा है। आपको नहीं मिल रहा है महिला? मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना केवल वही है, सब नहीं मिल रहा है लाभ? आपको लाभ नहीं मिल रहा? नहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा मुझे। तो आपको नाराज है? हाँ। तो जब नाराज है तो फिर क्या देख के? क्या सारी बहनें उनकी बहन नहीं है? मुख्यमंत्री जी की सारी महिलाएं कुछ ही लाडली बहन है उनकी, इस नाराजगी का असर देखिएगा कि चुनाव मिलना चाहिए तो प्रत्येक महिला को मिलना चाहिए। अच्छा देखिए वो हाउसवाइफ भी है ना, इस नाराजगी का असर देखिएगा वोटिंग में? हाँ बिल्कुल दिखेगा। तो बदलाव चाहती, चेहरा में कोई बदलाव की इस बार? चेहरा कोई भी आए बेनिफिट सबको मिले। आपकी क्या राय है? देखिए वोटिंग जो जनता को मतलब ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए जो अभी अभी की परिस्थितियों के अनुसार डिसाइड कर सके। बेरोजगारी आजकल बड़ी समस्या है, इस पे काम होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो काम अभी तक कर रहे हैं, क्या आपका भी मानना है कि उतना नहीं है, सहर महिलाओं को नहीं मिल रहा है, और पुरुषों का उससे क्या उम्मीद है? नहीं महिलाएं तो देखिए ज़्यादातर तो गृहिणी होती हैं, लेकिन ये योजना जो है लाडली बहना ये बहुत अच्छी योजना है, इसको और आगे बढ़ा के हर लेवल तक पहुँचाना चाहिए, जो हर महिला के लिए उसको उपलब्ध कराना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि कैश पेमेंट देने की बजाय लाडली बहना को आप रोजगार उपलब्ध करवाइए,
आप पैसा सिर्फ देकर क्या साबित कर रहे हैं, ये तो आप वोट खरीद रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। हाँ, आप रोजगार दीजिए ना उन्हें, काम दीजिए। वो क्यों 1200 रुपए तक सीमित रहे, महीने के 12000 कमाए। और क्या बदलाव और क्या होना चाहिए, क्या उम्मीदें आपकी? हम तो ये चाहते हैं कि आत्मनिर्भर हर महिला को बनाया जाए और महिलाओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। और आज भी महिलाएं सेफ नहीं हैं, जो मध्य प्रदेश में भी जो घटनाएं हो रही है सब दूर कुछ न कुछ घटनाएं हो ही रही है, महिलाओं की सेफ्टी कुछ भी नहीं है। इतना सारा पुलिस प्रशासन सब कुछ है, लेकिन क्या जो कांड हो रहे हैं क्या उस पर रोक लगी है? हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जो भी जीते नया कानून लाए और इनको कड़ी से कड़ी सख्त सजा खुलेआम दी जाए हमेशा। तो देखा आपने, यहाँ पर जनता ने अपना अपना रवैया बताया है कि चुनाव को लेकर उनका क्या रवैया है और चुनाव में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या नई चीज़ें आनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा हो, महंगाई हो या फिर वो कोई भी बात हो। कैमरामैन विजय के साथ मैं अंजलि पांडे, भोपाल, lalluram.com।